जी, क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है। जरा बताएं, सबसे पहला क्वेश्चन, ये 2013 का पेपर है, सैंपल पेपर है 2013 का। संजीव जी को नमस्कार। आप चैटिंग में भी भारती बात कर सकती हो। आप अगर हमारी आवाज को सुनना चाहती हो, अपनी आवाज सुनाना चाहती हो, तो जहां पर रेज योर हैंड का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करिए, तो आप हमारी हमारी आपकी बात हो जाएगी। भारती, भारती वाष्णे, अगर आप बात करना चाहती हैं तो फिर आप रेज योर हैंड ऑप्शन पर, जहां पर हाथ बन करके आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो हम आपसे बात कर पाएंगे। यहाँ चैटिंग में नहीं, दोनों बातें हैं, दोनों ऑप्शन है। चैटिंग बेटर है, फर्स्ट का ऑप्शन आप लोगों ने, विच हाइब्रिडाइजेशन, पहला क्वेश्चन है कि विच हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर वन, विच हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन CLF3। आपने जवाब दिया SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन है। बिल्कुल सही है कि SP3D2 है कि SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, SP3D हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, चलिए, खैर कोई बात नहीं। अब आपने पहला जवाब हमें देना है कि आखिरकार क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए, आपने दिया है SP3D, जो ठीक है। अब आप जो जवाब दे रहे हैं उसको हम बिल्कुल मानते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, 100% यू आर राइट कि इसका SP3D ही होगा। अगर हम लोग CLF3 बनाने की कोशिश भी करें तो यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ लगाइए, एक फ्लोरीन यहाँ लगाइए, एक फ्लोरीन यहाँ लगाइए, इस तरीके से आप लगा लेंगे। ये हो गया आपका ट्राइगोनल, और इसके पास एक दो तीन और चार, यानी एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। क्या मैंने ये सही बनाई है? तो ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाता है और हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर SP3D आएगी। 100% यू आर राइट। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स विल बी एबसेंट इन द सिंपल क्यूबिक। तो किसमें, इसमें जो है वो सिंपल क्यूबिक में जो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स विल बी एबसेंट इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इसमें किसमें प्लेन एबसेंट रहते हैं? तो अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा तो 200 पर, 200 पर एबसेंट रहते हैं, या 100 पर, बताएं। 200 पर रहते हैं या 100 पर रहते हैं? 200 पर रहते हैं, ठीक है। बी बिल्कुल 100%। अगर आप प्लेन ले लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के प्लेन्स होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है, ठीक। तो आप, सिंपल सी बात है कि प्लेन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन विल बी एब्सेंट इन सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारी वो होती है जहां पर एटम्स केवल कॉर्नर पर होते हैं, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। और इसमें जब नोट कर पाओगे तो केवल दो ही एक्सेस पर, रिमेनिंग पर 0 0 देना पड़ेगा। तो यानी ऑप्शन आपका कायदे में 200, वैसे हम कायदा ये कहता है इसमें कॉमा लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों चंचल बघेल जी, चंचल बघेल, भारती वाष्णे, सही बोल रहा हूँ? एम आई राइट? मेरी बात आप तक पहुँच रही है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉर्म अ कोवेलेंट। देखिए, बाकी लोग जो आज हमारे ऐप पर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी क्लास हो, जब भी क्लास हो, जब भी क्लास हो, तो खास बात यह है कि आप लोग ज्वाइन जरूर किया करें। मैग्नीशियम फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड इन इथरल मीडियम विद एल्कली एल्कली हैलाइड हुज नेम इज। तो आपको पता होना चाहिए अगर हम लोग मैग्नीशियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बनाता है? सभी को पता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। तो आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट को जोड़ दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। दीक्षा, सबको नीचे मैसेज कर दो कि जो लोग टारगेट बैच में हैं, जो लोग अपना बैच में है, जो शार्प बैच में है, वही लोग जुड़ पाएंगे। एक ये मैसेज डाल दो, और क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ मैसेज नहीं डाल पाऊंगा। और आप दूसरा ये डाल दो कि नीचे क्लास को क्लिक करिए, नीचे ज्वाइन ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे ज्वाइन ऑप्शन आ रहा होगा,
क्लास पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे ज्वाइन ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, देखो सिंपल सी बात है, संजीव भैया ने बताया है भी कि अगर हम लोग ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो मैग्नीशियम के साथ में आरएक्स जो है वो रिएक्शन करता है ईथरल में। ईथरल में भैया आप लोग जो लोग भी टारगेट बैच में हैं वो लोग मैसेज डाल दीजिए, तो नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है जीआर, ठीक है, ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चंस की सीरीज़ है, 2013 की है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं छुपा लूँगा या बता लूँगा, 2013 के क्वेश्चन तो आपके पास भी होंगे, है ना। नेक्स्ट बताइए, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन पीजीटी में अक्सर पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन में भैया सबको पता है कि आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में सबको पता है कि आयरन होता है 100%। मैसेज डाल दिया, मैसेज डाल दिया आपने, सीमा मैसेज डाल दो, संजीव जी मैसेज डाल दीजिए, अगर आप टारगेट बैच में हैं तो मैसेज डाल दीजिए कि आप सभी लोग जुड़ जाइए, जो लोग भी हैं जुड़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम अपनी सीरीज़ को। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं पूरी सीरीज़ में, अगर आप करेंगे तो आपको 100% इंटरेस्ट भी आएगा और ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा चार क्वेश्चन इधर साइड में हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संजीव जी मैसेज डाल दीजिए या फिर आप में से दीक्षा मैसेज डाल दो। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम विल बी, क्या होगा जी बताइएगा। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए सिंपल में कितने होते हैं, एक होता है, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, तो 1, 4, 2 बी ऑप्शन इसमें साफ दिखाई दे रहा है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं बीच में आपको ये बता दूँ कि हम लोगों की क्लास फिर ट्यूसडे को रख लेता हूँ, ट्यूसडे रख लेता हूँ, उसके बाद थर्सडे रख लेता हूँ और उसके बाद मैं सैटरडे रख लेता हूँ, ये 3 दिन क्लास चलती रहेगी, बहुत सुकून में रहेंगे आप, कोई टेंशन नहीं होगी। बी बिल्कुल 100% यही टाइम मेरे हिसाब से शेड्यूल ठीक है, बाकी जब मन लगेगा मुझे तो मैं और भी ले लूँगा क्लास, लेकिन अभी थोड़ा चलने दीजिए, माहौल बनने दीजिए। 6 वाले पे आ जाइए, 6 क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस के साथ आपको पढ़ाता रहूँगा और रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी डालता रहूँगा जिससे कि आपको परफेक्ट वॉइस के साथ में हर चीज़ मिल पाए। द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशियंस ईटा विद टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, किसी एक एक्सप्रेशन के साथ में। जी संजीव जी, सर जी नमस्कार, हेलो, चलिए ठीक है, 6 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए ऑप्शन दे रहे हैं शिवानी, चंचल, स्वाति, ये सभी लोग जवाब दे रहे हैं ए, मनु, दीक्षा, अनमोल, सभी ने ए ऑप्शन पर टिक किया है। तो चलिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूँ कि आपने सवाल का जवाब बिल्कुल राइट बोला है, कोई दोराय नहीं कि 100% इट इज़ द राइट ऑप्शन। ईटा इज इक्वल टू होता है ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ईए अपॉन आर टी, ये बात ध्यान दीजिए, ठीक, ईए लिखो चाहे ई लिखो कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ें सही हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट की कैटेगरीज में भी शायद आता है। हाँ, आर्हिनियस इक्वेशन है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट विद टेम्परेचर, वो सेम कंडीशन से ही एक्सप्लेन, ये बिल्कुल आर्हिनियस जैसा ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। द रिजेंबलेंस ऑफ द लिथियम विद मैग्नीशियम इज ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, बताइए। द रिजेंबलेंस ऑफ द लिथियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, डायगोनल रिलेशनशिप के कारण ऐसा होता है संजीव जी, डायगोनल रिलेशनशिप के कारण ऐसा होता है, ये ध्यान दीजिए, डायगोनल रिलेशनशिप के कारण ऐसा होता है,
इस बात को आप ध्यान में देंगे, ठीक है। वेरी गुड, नाइस। क्वेश्चन 2013 के हैं, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक ठीक क्वेश्चन आए थे 2013 में, और इसका मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट भी रहा हूँ अपने टाइम पर। और ठीक है, पी वाई क्यू अगर याद भी है तो बुरा क्या है, इसमें एर्थ वाले पर आइए, एर्थ वाले पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, बताइएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि वो मिसिंग हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। 2013 का हूं मैं, 18 का नहीं हूं दीक्षा, 18 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ज्वाइनिंग की है। शॉर्ट की 11 का सिलेक्शन है मेरा, 13 का सिलेक्शन है मेरा। फ्रैंकल में होता है डिसलोकेशन और मिसिंग होता है शॉर्टकी में। तुम उल्टा बोल रही हो दीक्षा, उल्टा बोल रही हो, ठीक है। 11, 13, 18, हाँ 13 का रिजल्ट 18 में आया, यस यू नो वेरी वेल। उससे पहले 11 का रिजल्ट में भी क्वालिफाई था तो मैं 11 वाले का ज्वाइन कर गया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट डिफेक्ट, शॉर्टकी में क्या होता है, मिसिंग होता है, और यहाँ डिसलोकेशन होता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो फिर बी ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं, और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही इसका एक्यूरेट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। वेरी गुड, नाइस, गुड। चलो इसके बाद चलिए, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रोमियम का क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पर क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। मेरे हिसाब से इसमें 24, 24 में से घटा दीजिए आप 3 घटा दीजिए तो बता आपका 23 और 12 जोड़ दीजिए कितना आएगा, इसमें सी आएगा ना, 35, 35 आएगा, बिल्कुल सही, 100% निकाल भी लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 माइनस 3 प्लस 12, हाँ यही होगा, और 6 × 12, 2 × नंबर ऑफ द लिगेंड्स, ये हो गया, तो ये आपका रह गया 24 प्लस 8, तीन घटाई 9 बचेगा, सॉरी 9, तो ये आपका 33 आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा, 33 बचेगा, चलिए ठीक, 9 आ जाएगा, 33 बचेगा, 9 यहाँ पर कर दीजिए, या 23 12 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घटा दीजिए यहाँ से, कुछ गलत है इसमें, ठीक, चलो इस पे आ जाइए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई, हाँ ठीक है, 24 प्लस 3 नहीं होगा ना, 24 + 3, 24 - 3 होगा, गलत कह रही है दीक्षा, 24 - 3 + 9 ये हो जाएगा, तब आएगा 33, ये आना चाहिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द, इसका बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है, आ सकता है ये, जी
बोलिए, क्वेश्चन नंबर का जवाब सभी ने दिया है, 11th का बी ऑप्शन दिया है कि जो आयनिक रेडियाई है वो बढ़ता है, ये जवाब दिया है। कुछ लोगों ने डी भी दिया है, वैसे ऑप्शन डी सही है। संजीव भाई डी ही सही है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। संजीव जी एक बार ट्राई करिए आप। लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है, देर इज ए स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। आपको याद होना चाहिए, देर इज ए स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को याद करिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को याद करिए, डिक्रीज होता है। तो ये उल्टा लिखा है, यहां पर उल्टा लिखा है, इसीलिए आपको ये बढ़ता हुआ बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत चलें आगे बढ़ लेते हैं। प्लास्ट्रा पेरिस, ये प्लास्ट्रा पेरिस किसका है जी बताइए, प्लास्ट्रा पेरिस। 12वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, प्लास्ट्रा पेरिस कौन सा है। 12 का ए होगा, बिल्कुल प्लास्ट्रा पेरिस ये होता है। अच्छा जिप्सम कौन सा है इसमें से, जिप्सम कौन सा है, अगर कोई पूछे कि जिप्सम का जवाब दीजिए तो जिप्सम किसे बताएंगे आप। बी वाला जिप्सम, वेरी गुड, शाबाश दीक्षा। कुछ लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चलो खैर कोई नहीं। 13 पर आइए, 13 पर आ जाइए, 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, द रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर इज बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो रिमूवल ऑफ द कार्बन पार्टिकल अगर आपको निकालना है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना पड़ेगी। ठीक है सीमा, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना पड़ेगा या प्रेसिपिटेशन कराना पड़ेगा, दो में से एक। द रिमूवल ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर इज बेस्ड ऑन, ये प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस ही होगा, क्योंकि कोलाइडल की बात हो रही है यहाँ पर, और एयर हमारा कोलाइडल नहीं, एयर कोलाइडल है, कोलाइडल है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी। इलेक्ट्रोड की रॉड डाली जाती है ना, याद करिए कि चिमनी में से, आप याद करो जब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था तो ये बताया जाता है कि जो धुआं निकलता है उसमें इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, जिससे कि उस पर जो है जाकर के कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद उसको नीचे सेटल डाउन कर देते हैं लंबी लंबी चिमनियों में से। याद आया कुछ, याद आया, मैं आपको याद भी दिलाता रहूँगा, बेफिक्र रहिए आप। पहले इस वीक में पूरा पेपर करवाऊँगा कायदे से, इसके बाद फिर पढ़ाऊँगा अभी आपको, सॉल्यूशन के रिकॉर्डेड सब अप टू डेट रखूँगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रखूँगा आपको। हाँ, कोएगुलेशन ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाएगी, वेरी गुड संजीव जी, कोएगुलेशन। प्रेसिपिटेशन ऑफ द कार्बन ऑन द रॉड, तो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस टर्म देना पड़ेगा। द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आपको पता होना चाहिए, बिस इथाइलिन डाइएमिन, बिस इथाइलिन डाइएमिन है कहीं पर, ये क्लोरो यानी क्लोराइडो नाइट्राइटो है ना, नाइट्रो के नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, डी ऑप्शन हो जाएगा। 14 का क्या डी ऑप्शन हो जाएगा या ये हो जाएगा, बोलिए सी होगा या डी होगा, सभी लोग सी पर लगा रहे हैं, क्लोरोबिस इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, सभी लोग सी पर ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल आप जो है सही सटीक जवाब दे रहे हैं, टनाटन। ये यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल सटीक आंसर है आपका, कोई इफ और बट नहीं है। क्लोरो लगाएंगे फिर बिस, क्योंकि ई का मतलब है बिस से कोई लेना देना नहीं होता है, समझ गए हम आपकी बात, आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ रह करके,
मैंने नहीं किया, ये मत कहना कि सर आपने किया है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी ताकत नहीं, और आप जो चाहेंगे सो कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एब्जॉर्प्शन बैंड एट द ग्रेटेस्ट वेव नंबर, कौन सा एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा ग्रेटेस्ट वेव नंबर पर, बताइएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, एक बार पूछा है इन्होंने, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी, तीन आएगी बेटा, थर्ड आएगी, देखो थर्ड आएगी शिवानी, यहाँ पर -1, -1 और -1, ये सब उधर जाएंगे, +3 हो जाएगा, मतलब थर्ड आएगी, बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आ रही है। चलिए 15 पे आइए जी। ठीक है, 15 का बी हो गया, वेरी गुड, नाइस, सभी को मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग जवाब दे रहे हैं, और पी वाई क्यू अगर रट भी गए हैं ना तो ये भी आपके लिए एक बड़ा अच्छी बात है, मतलब पी वाई क्यू अगर आपको याद भी हो गए तो इसमें बुराई नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों की दे रखी, द हीट ऑफ कम्बस्चन बताना है इसकी, तो निकाल दो हीट ऑफ कम्बस्चन कितनी आएगी बता दो यार, है ना, फॉर्मेशन दे रखी, कम्बस्चन बता दो, 16 का बी बता रही हैं, रटा हुआ है क्या संजीव जी, बता रहे हैं क्या रटा हुआ है, 16 का बी बिल्कुल सही है, घटा दीजिए वैल्यू इसमें से, वैल्यू घटा दीजिए अपने आप आ जाएगी, वैल्यू माइनस कर दीजिए अपने आप आ जाएगी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ हाँ संजीव भाई, मैं सही बोल रहा हूँ, वैल्यू घटा दीजिए अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू माइनस कर दीजिए अपने आप आंसर आ जाएगा, संजीव जी अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है उसमें, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर इस वाली सीरीज पे आ जाते हैं, द स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ द लिक्विड फ्रॉम ए जेल इज कॉल्ड, द स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ जेल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताइए, 17 जवाब दीजिए, 17 का, ठीक है, बैटिंग कहलाता है, यानी कि वेट हो जाता, भीगा गीला हो जाता है, तो या वीपिंग बोलेंगे या बैटिंग बोलेंगे, हाँ वीपिंग, बैटिंग ने वीपिंग ऑफ द जेल, बिल्कुल सही, वीपिंग बोलते हैं, हम भी थोड़ा सा डाउट हमें वी डब्ल्यू की वजह से कंफ्यूजन हुआ, वीपिंग ठीक है, स्वीपिंग नहीं, वीपिंग, दीक्षा वीपिंग होता है, ठीक है, रोना, रोता है, जब जेल रोएगा तो उसके आंसू निकलेंगे, और जब आंसू निकलेंगे तो फिर क्या होगा पता ही है भैया, वीपिंग बोला जाता है, वेटिंग नहीं बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विद राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन, विद राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन अ लिक्विड, ऑफ अ लिक्विड होना चाहिए, तो सरफेस टेंशन मेरे हिसाब से तो घटना चाहिए, घटना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, घटना चाहिए, ये सब बातें अंडरस्टूड होती हैं, ठीक बिल्कुल जी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पीजीटी में, और ये 2021 में भी है, ये 2021 में भी था,
ऐसा शायद मुझे याद है। 2016 में भी था, ये दो तीन बार क्वेश्चन आया है, और ये एनसीईआरटी का है, ये भी आपको बता दें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आप जान लो। और ये बता दें, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको बता दें, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेशन का। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रेडिएशन, तो आपको पता होना चाहिए जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके एनर्जी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो एनर्जी वाटर की कम, फिर अमोनिया, और फिर सबसे ज्यादा, सबसे कम वाटर की एनर्जी, तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसकी एनर्जी थोड़ी से ज्यादा, एंड सो ऑन। तो आंसर फिर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, यहां लिख देता हूं, जिसकी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, अरे ऐसे लिख देता हूं, ये झंझट ही नहीं, लो ठीक। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड बिल्कुल सही है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करो ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस पे आइए तब बात बनेगी, ठीक है। चलिए, और अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। ये रिएक्शन भी बहुत यार मस्त रिएक्शन है, दिल खुश हो जाता है। 20वां क्वेश्चन, अब आपसे पूछा, यहां इसने बना दिया मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, बना दिया ना, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड मान लेते हैं। चलिए अब बताइए क्या करना है इसमें, क्या डालें। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बेंजोइक सी डबल ओ एच होना है, इसे ऑक्सीडाइज करना है, तो क्या डालना पड़ेगा बताइए, जरा दिमाग लगाइए, 20 वाले पे दिमाग लगाइए। एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दें या एसिटिक एसिड डाल दें, क्या डालें? एसिटिक एनहाइड्राइड, बिल्कुल सही, एसिटिक एनहाइड्राइड पड़ेगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाइए, अब थोड़ा सा जितने भी यूपी वाले लोग हैं वो एक्टिव हो जाएं, समझ रहे हैं ना, यूपी वाले लोग एक्टिव हो जाएं, जिससे कि मैं जान रहा हूं कि अब परीक्षा की तैयारी, और अपने मित्रों साथियों को भी बता दीजिए कि वो लोग भी अलर्ट हो जाएं, उनका भी भला हो जाए, नहीं तो फिर रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। समय अगर खराब आपने कर दिया तो ये समय दोबारा आपको नहीं मिल पाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये समय गवा दिया तो फिर तुरंत तैयारी नहीं हो पाती, हड़बड़ाहट में बहुत सारी गलतियां होती रहेंगी, ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा। सोडा, यहां देखिए, सोडाइड आयन कैन एग्जिस्ट, सोडाइड आयन जो होता है वो एग्जिस्ट कैसे करता है, तो अगर आपको पता होना चाहिए तो ये क्रप्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रप्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो 21 वाले पर चले आइए, 21st, जी क्रप्टेट्स जो होते हैं वो आपको बता देता हूं, ये हमेशा तब बनता है, क्रप्टेट्स कब बनते हैं जानकारी भी आपको दिए दे रहा हूं, क्रप्टेट्स तब बनते हैं कंपाउंड्स जब सोडियम किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ जाता है जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो फिर उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बनाने की कोशिश करता है, ये क्लस्टर टाइप के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है, उस समय हम लोग नेगेटिव कंडीशन इसकी क्रिएट करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इन द सिंथेसिस ऑफ द डीडीटी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, और कह सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन,
22 का ए जवाब होगा संजीव जी, 22 का ए बिल्कुल एक्यूरेट है, क्लोरल के साथ में। रिएक्शन शायद आपको याद आ गई होगी कि ये हमने CCl3, ये देखो ये हमने CCl3 CHO ले लिया, ये C डबल बॉन्ड OH ले लिया, सामने क्लोरोबेंजीन लेटी हुई थी, इस तरीके से क्लोरोबेंजीन को लिटाल दो, ये क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन जो थे मुंडी निकाल के बाहर देख रहे थे, तभी किसी ने इनके ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, दोनों की मुंडियाँ यहीं से उड़ गईं और ये एक बूंद जिंदगी की टपक गई और बना क्या आपको पता है, Cl Cl Cl, यूं यूं यूं। और हाइड्रोजन भैया ऊपर से झांक रहे थे, बोले देखो नीचे क्या हो गया, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने की क्लोरोबेंजीन की दोनों खोपड़ी साफ हो गई हैं और क्लोरोबेंजीन आपस में मिल करके इनसे सलाह मशवरा करके जुड़ गई है, ये बन गया आपका जिसका नाम है क्लोरल, ये कंपाउंड, ये DDT बना ना, ये क्लोरल है, ये क्लोरल है। तो ये हो गया, हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एज ए मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। तो आपने बता दिया कि सर मॉडरेटर की तरह यूज होता है, तो आप फट से इस पे टिक लगा दीजिए एज ए मॉडरेटर, ठीक है। चलिए आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपसे इंटरेक्टिंग, जो फिनोमिना चल रहा है ठीक, हम तो अपनी भाषा भी ऐसी बोलते हैं ना जिससे कि आपको परेशानी नहीं आएगी। वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा डिक्रीज करती है या इनक्रीज करती है, तो मुझे पता है इनक्रीज करती है, डिक्रीज टॉप टू बॉटम करेगी और इधर इनक्रीज करेगी, ठीक है। तो 24 का आप जो है सी लगा लीजिए मेरे हिसाब से, 24 का सी लगा लीजिए। एक मिनट का समय दीजिए। उसके बाद 25 में क्वेश्चन पर आ जाइए, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज हाइड्रोजन, एक्वस में हाइड्रोजन मिलता है और अगर मोल्टन था तो फिर आपका वो मिलेगा, ये हाइड्रोजन है। Which of the following reagent is helpful in distinguish between the ethene and ethyne? सीमा रानी, ethene and ethyne के लिए जल्दी बताइए सीमा जी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वेरी गुड, नाइस। देखिए आप लोगों ने इतने दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं, अब आपको लगभग इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रट गए होंगे, ये बात आपको एक्सेप्ट है या नहीं है, या अनुसर यूं ही खाली अपनी तारीफ करने की जुगाड़ में है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर डाली है कि क्वेश्चन बहुत सारे आपको रट गए होंगे जी। 27 पर आइए, लगातार आप पिछले बहुत सारे लोग पिछले साल से जुड़े हुए हैं, तो जो लोग पिछले साल से जुड़े हैं ये 100% श्योर है कि क्वेश्चन बहुत सारे उन्हें मन में फिट हो गए होंगे बिल्कुल। 27th क्वेश्चन पर आइए, 27th क्वेश्चन क्या कहता है, एन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म द हाइड्रेटेड कंपाउंड ए होना चाहिए, बिल्कुल 100% भारती, ए होना चाहिए, ये ए होना चाहिए। ना याद रहे तो ऐसे करके याद कर लेना कि ऐसी डायरेक्शन बनेगी, जो मैंने डायरेक्शन बनाई है यही डायरेक्शन आनी चाहिए कविता।
4s ऑर्बिटल हैज लेसर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल बिकॉज इट हैज। बताइए, बिकॉज इट हैज। अट्ठाईस का सी बता रहे हैं, 4s ऑर्बिटल हैज लेसर एनर्जी देन 3d बिकॉज इट हैज लेसर वैल्यू ऑफ n प्लस l। बिल्कुल सही, सही जवाब है आपका। टेट्रा इथाइल लेड व्हेन एडेड पेट्रोल, ये किसकी तरह काम करता है? इनहिबिटर की तरह काम करता है। 29, इनहिबिटर की तरह काम करता है। क्यों? ये एंटी नोकिंग कंपाउंड की तरह यूज़ किया जाता है, जो उसकी नोकिंग पावर को डाउन कर देता है। ऑक्टेन नंबर पर डिपेंडेंट है ये। जी, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए फंक्शन विच डिपेंड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल भारती, एंटी नोकिंग एजेंट है ये। तो 30 वाले का जवाब दीजिए। 30 वाले का, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए फंक्शन विच डिपेंड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इनिशियल और फाइनल पे होता है, इनिशियल एंड फाइनल पे ही तो डिपेंड करती हैं, इनिशियल एंड फाइनल पे ही डिपेंडेंट होती हैं। वेरी गुड, शाबाश, चलते रहिए ऐसे 10 बजे तक आराम से, टेंशन फ्री होके। 31वां बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये शायद NCERT का है, मुझे अनुमान है दिस इज NCERT क्वेश्चन। क्या मैं सही हूँ? ये NCERT क्वेश्चन है, ये मुझे अनुमान पूरी तरीके से है और शायद ये एग्जाम्पल भी है, जहाँ तक मेरा अनुमान इन टेक्स्ट या एग्जाम्पल में से एक चीज़ है, ये इन टेक्स्ट है या फिर एग्जाम्पल है। 31वें का जवाब आपने बताना है, मनु ने बताया है बी। सोलह मिनट आ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 16 मिनट आ रहा है, चेक कर लीजिए एक बार, 16 मिनट आ रहा है। टी हाफ निकाल दीजिए, है ना, 50% का के निकालना पड़ेगा, फिर आपको जब के निकल आएगा तो टी हाफ इज इक्वल टू निकाल देना। चलो ठीक, 16 मिनट यानी कि फाइनल कर दूं। सही है, बताइए, फाइनल कर दूं? 16 मिनट को फाइनल कर रहा हूं। चलिए ठीक, बढ़िए आगे। 32 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट रेजोनेंस, कौन कौन से कंपाउंड रेजोनेंस को शो करेंगे? कौन सा करेगा? एक आएगा ना, तो मुझे लगता है कि ये तो 32 वाला ये तो नहीं कर पाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि मैं इसे इधर ट्रांसफ़र कर दूं, इसे इधर ट्रांसफ़र कर दूं और इसे इधर ट्रांसफ़र कर दूं, पॉसिबिलिटी है। यानी बी ऑप्शन को ही मैं सही मान लेता हूं। बी होगा, बी या ए होगा, ए नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, बी ही होगा, यहाँ अल्टरनेट नहीं है। यहाँ लिख सकता हूँ नॉट अल्टरनेट बॉन्ड, नॉट अल्टरनेट, अल्टरनेट नहीं है, यहां पर अल्टरनेट है। जी ठीक, इसके बाद आ जाइए 33 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। ये तो सभी को पता होगा यार, इस क्वेश्चन में तो जादू कोई है नहीं, है ना? यही होगा ऑप्शन ए ही होगा। फॉर ए गिविन वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सब सेल्स, इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा एनर्जी, ये तो रट गया है, ये होगा ना? चलो ठीक है, चलो कम से कम रट तो रहा है। अनुसर के साथ कुछ नहीं, जो कहता है मुझे पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम इतना तो आ ही रहा है कि यार ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए उंगलियों पे, अगर कोई सपने में पूछ लेगा ना तो बता दोगे, सपने में पूछ लेगा तो बता दोगे। 35 का जवाब दीजिए। 35। इफ द वैल्यू ऑफ केपी इज एक्स फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन, बताइए। 35 बताइए। थर्टी फाइव का सी बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, नेक्स्ट करिए। इफ द चेंज इन इंटरनल, इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इतना, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा, स्कैन करते समय मिसप्रिंट हुआ है ये, तो जरा मैं देख लूं क्या लिखा है। दीक्षा ने लिखा है स्क्वायर क्यों होगा भाई, केएसपी इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको? अगर ये ए और बी होता तो के एस पी इज इक्वल टू क्या होता? चलो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी हो जाता, तो यहाँ पर एस होता, ये एस होता, तो के एस पी इज इक्वल टू हो जाता एस स्क्वायर, ठीक है ना? तो अब यहाँ के एस पी इसका क्या होना चाहिए, 2a + 2b इज इक्वल टू 2ab, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग एस 2s लेंगे, यहाँ पर भी 2s लेंगे ना, इसलिए। जी 36, 36 में जो वैल्यू मिसप्रिंटिंग है वो पहले मैं पूरी कर दूँ, जरा मैं चेक कर लेता हूँ, सीट निकाल लूँ। ये वैल्यू दे रखी है, ये ए ऑप्शन दिया है, यहाँ नोट कर लीजिए, माइनस का 35.4, 35.4 दिया है, और ये सी वाला ऑप्शन दिया है, माइनस का 1.354 दिया है, ठीक है, 1 एटमॉस्फियर है ये। चलिए बताइए, 36 वाले का जवाब दीजिए। थर्टी फाइव पॉइंट फोर यानी ए ऑप्शन होना चाहिए, 36 का ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, नहीं 36 का ए ही ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही, 36 का ए ही आएगा। ठीक, देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, सही है? अब यहां देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा, इफ द चेंज इन इंटरनल
एनर्जी फॉर द रिएक्शन इतना, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है 134.8, ठीक। और डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी, यानी दो में से तीन घटा दो तो ये माइनस का हो जाएगा आपका माइनस का 1 इंटू आर टी, है ना। आर टी ऐसे रख दो, आर टी टेम्परेचर रख दीजिए, है ना। तो ये 298 रख दीजिए और आर की वैल्यू 2 रख दीजिए इंटू 298। इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा, ठीक है। संजीव जी चेक कर लिया आपने आंसर कितना आ रहा है, 134.8 आ रहा है। चलो ठीक, देखो यहाँ किलो कैलोरी में दे रखा है इसलिए 2 रखना पड़ेगा, 1.9। अगर जूल में होता तो फिर रखते 8.314, ये बात ध्यान देना। द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 25, द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 25 द आउटर मोस्ट आउट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 25 हो गया, ठीक बिल्कुल। 25 वाले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैंगनीज हुआ ना, ये मैंगनीज हुआ ना, 25 Mn हुआ, ठीक है। 40 क्वेश्चन करेंगे आज, बचे हुए थोड़े कल भी लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 38 आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, नेचर लॉग वी टू अपॉन वी वन, ठीक यही आएगा। ठीक, यानी अगर हमने थोड़ा रुक करके समझाते हुए बोला है तो 40 क्वेश्चन किए मतलब 3 घंटे में 120-125 हो जाएंगे, थोड़ा बीच में बातें भी हुई हैं, घंटे में 15 मिनट तो बातें ही हुई हैं। व्हेन सॉल्ट ऑफ एडबिक एसिड इज हीटेड विद एक्सा, अरे सबको पता है नायलॉन 6-6 बनता है, नायलॉन 6-6 बनेगा सबको पता है। द प्रोडक्ट ऑफ बिस्लर नेप्रोलस्की रिसिंथेसिस आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाई थी यार अभी जल्दी पढ़ाई, 40 वाले का आइसोक्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन है ना, आइसोक्विनोलिन है ये, इसमें बताई थी आपको जब बिहार का एग्जाम होने वाला था तो बीच में मैंने आइसोक्विनोलिन की सिंथेसिस में ना ऑप्शन दिया था आपको, और वैसे भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में है ये जी। मैलेकाइट ग्रीन, मैलेकाइट ग्रीन जो होती है वो ट्राईफिनाइल मीथेन डाइज है, ये फेमस क्वेश्चन है दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार बनाए दे रहा हूं, ये भी स्टार बनाए दे रहा हूं। चलिए बताइए, इफ टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम इतने टू, लगा दीजिए W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन से निकाल लीजिएगा आंसर, इससे आंसर निकाल लीजिएगा, मेरे हिसाब से जो आंसर आया आप सेट कर देना यहाँ, ठीक है। आंसर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, आर की वैल्यू दे रखी है पुट कर देना, कैलोरी में ही आंसर निकाल देना, जो आए बता देना मुझे, ठीक है, मुझे चेक करके बता देना कि आंसर कौन सा आ रहा है। बता देंगे, चलिए बता दीजिएगा, वैल्यू पुट करके बता दीजिएगा। द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल दुनिया को पता है, ये भी बात बताने वाली नहीं रह गई अब, ये बिल्कुल रट गया होगा ये भी भाई, एसपी में 50%, एसपी में 33.3% और ये हो गया,
ए होगा। चलिए ठीक। 44वां क्वेश्चन बताइए फटाक से, 44वां बताइए और 45वां बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस द डेक्रॉन व्हेन द मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड इज हीटेड। तो गर्म करना ही है। 44 वाला बताइए जल्दी से। एंटीमनी ट्राईऑक्साइड लेते हैं, SbO3 लेते हैं, SB2। एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग, ये नॉन नारकोटिक ग्रुप में आती हैं, नॉन नारकोटिक हैं ये। चलिए 45 क्वेश्चंस हमने लोग 45 मिनट में लगाए हैं आज, अच्छी स्पीड रही। ठीक, 45 क्वेश्चन 45 मिनट, 15 मिनट हम लोगों का डिस्कशन चला है, तो अच्छा स्कोर रहा। बाकी अल्टरनेट चलेंगे क्लासेस, आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं, आप लोग डाउट में बिल्कुल नहीं रहिएगा। अगर पहला क्लास ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, फिर वेनसडे को होगा, थर्सडे को होगा, ट्यूसडे थर्सडे एंड देन सैटरडे, ये सीरीज है। और एक है मंडे ट्यूसडे, ओ सॉरी मंडे वेनसडे और फ्राइडे, हम लोग इस सीरीज पर काम करेंगे। एंटीसेप्टिक नहीं बोल सकते, इस वाले पर रहेंगे हम लोग, यही हमारे लिए सूट करेगी। बाकी मुझे लगेगा तो मैं अपने हिसाब से इंक्रीज करूंगा। ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक एसिड, CHOCWH ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ठीक है, फिर एक बार सुन लीजिए दोबारा। बार बार आप मैसेज करेंगे, परेशान होंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एक बार यस बोल दीजिए कि सर एग्री, तो मैं फिर क्लास को ऑफ करूंगा। हम ही करवाएंगे इस वीक, हम ही पूरा पेपर हम ही सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, बाकी फिर हम आपको पढ़ाने वाली रिकॉर्डेड वीडियोस डालेंगे तो मैसेज डाल देंगे। फिर से सुन लीजिए, जो टॉपिक रिकॉर्डिंग फॉर्म में डालेंगे वो हम आपको मैसेज डाल देंगे कि ये वीडियो हमने अपलोड कर दी, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा लाइव, वीडियो रिकॉर्डेड डालूंगा, फिर डिस्कशन कर लूंगा आपसे, एक दिन डिस्कशन को कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परेशान नहीं होना। चलिए, ओके, गुड नाइट।